वॉइस एंड एक्सेंट, बहुत ही भारी भरकम वर्ड। कुछ साल पहले तक मुझे लगता था कि मैं इस वर्ड का मतलब अपनी जिंदगी में कभी समझ पाऊंगा या नहीं। आज ऐसा नहीं है, आज सिचुएशन बदल गई है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वॉइस एंड एक्सेंट का क्या यूज है और कैसे पब्लिक स्पीकिंग में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉइस और एक्सेंट में आपकी आवाज़ और एक्सेंट को ऐसे समझते हैं, इंटोनेशन। मैग्निफिसेंट, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैग्निफिसेंट, ये एक्सेंट है, ये इंटोनेशन है, ये रिदम है, आवाज़, मेरी आवाज़ निकल रही है। तो वॉइस एंड एक्सेंट ऐसे कॉम्बिनेशन में वर्क करता है। इफ़ आई विल टेल यू टूडे दैट वॉइस एंड एक्सेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in the life of every individual, you will try to understand one thing firstly, that how am I talking? I have some mother tongue coming into my language. Mother language influence, mother tongue influence, जैसे MTIB बोलते हैं, अब मैं इसी चीज को accent में बोलता हूँ। What you notice right now is I am pronouncing each and every word carefully with the right accent, with the right voice, and suddenly the same person who was few seconds earlier not talking properly in an accent, now you can listen to the voice clarity, you can access the kind of accent I am using. Kuch farak laga aapko? Ye power hai. Jaise hi aap mother language, yani ki mother tongue language ko hata dete hain और प्रॉपर एक्सेंट में बात करते हैं, धीरे धीरे एक्सेंट क्रिएट हो जाता है और जिस भी लैंग्वेज में आप ये कर रहे हैं वो लैंग्वेज पावरफुल लगने लगती है। मैं इंग्लिश में कर रहा था तो ऑफकोर्स इंग्लिश में लगने लगेगा। दूसरा, आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए। सो व्हाट डू यू फील राइट नाउ, हाउ एम आई टॉकिंग? इट्स एब्सोल्युटली नॉट द वे, द इंडियन स्टॉक वे राइट नाउ, बिकॉज आई एम रोलिंग माय टंग लिटिल एक्स्ट्रा बिट, आई एम गोइंग एंड टॉकिंग एज इफ आई एम इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। ये एक्सेंट अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्योंकि अमूमन इस तरह का एक्सेंट बहुत डिफरेंट कंट्रीज में होता है। तो एक्सेंट जो होता है वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप जिस भी कंट्री में हैं वहाँ पर लोग कैसे बात करते हैं उसके हिसाब से एक्सेंट होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको समझनी पड़ेंगी। और इम्पॉर्टेंट बात एक और है, जब भी आप किसी भी क्लाइंट फेसिंग रोल में है, कम्युनिकेशन में वॉइस एक्सेंट का बहुत बड़ा रोल है। सेल्स, मार्केटिंग, एचआर वाले सुन लो भाई, ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडिया वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है पहले, और जैसे ही धीरे धीरे अपनी आवाज़ सुनते रहोगे, आवाज़ से प्यार हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आपके सामने होगी। आइए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, कुछ ऐसे सजेशंस बताता हूँ जिससे वॉइस एंड एक्सेंट पब्लिक स्पीकिंग में बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं आप। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है माउथ एंड जॉ एक्सरसाइज। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे लिप एरिया है, ये मेरा जॉ एरिया है, तो जॉ एरिया की एक्सरसाइज पहले समझते हैं। ये जॉ एक्सरसाइज है और माउथ की, ये इस एरिया की एक्सरसाइज है जहां से मैं अपनी वॉइस को प्रोड्यूस कर रहा हूं। माउथ और जॉ का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प करता है वॉइस और एक्सेंट को क्रिएट करने में। दूसरा सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि जब भी आप कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, ध्यान से प्रोनंसिएशन को सुनिए, ध्यान से डायलॉग्स को सुनिए, नीचे सब टाइटल्स ऑन कर लीजिए। ये करने से आपकी प्रोनंसिएशन भी इम्प्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, और इम्पॉर्टेंटली आपका एक्सेंट आप जल्दी से समझ पाएंगे कि कौन से वर्ड को किस तरीके से, किस अंदाज में बोलना है, और सब टाइटल्स पढ़ के आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इफ़ यू आर वॉचिंग एनी हॉलीवुड मूवी, एंड आई रिकमेंड यू शुड वॉच हॉलीवुड मूवीज़, अगर आप इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, वॉइस और एक्सेंट को इम्प्रूव करना है, हॉलीवुड मूवीज़ देखिए, सीरीज़ देखिए, किसी अच्छे नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम पे, जहाँ पे आपको पर्पस ये होना चाहिए कि
कि आपका वॉइस एंड एक्सेंट को आप जल्दी से पकड़ें। तीसरी प्रैक्टिकल टिप मैं आपको दूंगा कि लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स, इनको बहुत ध्यान से अटेंशन दीजिए, इनकी बात सुनिए और इनका रिदम ऑफ स्पीच कैसा है। व्हाट इफ आई टेल यू टुडे दैट वी डू नॉट हैव एनी क्लास, टुडे आई एम गिविंग यू फ्री टाइम किड्स। ये बचपन में आपने टीचर के मुंह से सुना होगा रिदमिक वॉइस। एजुकेशन सेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है। जितनी ज्यादा आपकी वॉइस और एक्सेंट रिदमिक वॉइस में होगी, बच्चे बहुत जल्दी इंटरेस्ट लेते हैं। तो नेटिव स्पीकर्स को ध्यान से सुनना है। अब नेक्स्ट टिप ये है कि मेक अ हैबिट ऑफ मेंटेनिंग अ डायरी। जो भी वोकैबुलरी प्रोनंसिएशन है एक एक वर्ड की, उसको ध्यान से नोटिस कीजिए, अपने स्टाइल से हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके लिख लीजिए विद इन द ब्रैकेट्स, लेकिन लिखना जरूर है। मेंटेन करो आप एक डायरी, ये हैबिट बनाओ, इससे भी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आपकी प्रोनंसिएशन वोकैबुलरी दोनों चीजें इंप्रूव होगी और एक्सेंट डेफिनेटली इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल योर रेट ऑफ स्पीच। ज्यादा भागना नहीं है घोड़े की तरह, तगड़ 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 और बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं बोलना है। यू शुड नॉट साउंड बोरिंग, इट हैज टू बी मॉडरेट, द रेट ऑफ स्पीच हैज टू बी मॉडरेट। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रीडिंग। न्यूज पेपर्स पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ट्विटर पे कुछ अच्छे हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, ब्लॉग्स की हैबिट में आ जाइए, ब्लॉग्स पढ़ लीजिए। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रीडिंग, बिकॉज उससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है, प्रोनंसिएशन भी इंप्रूव होती है, और थोड़ा सा लाउड बोलना है, लाउड बोल करके रीडिंग करनी है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। देखिए कुछ ट्रेडिशनल चीजें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। Practicing loud or speaking loud will really help you create your voice and accent in a more efficient way. My next suggestion is go to your mobile handset, open the voice recorder and start recording yourself, or open the camera, start recording yourself. आप जैसे ये करेंगे आप अपनी आवाज सुनिए और ध्यान से देखिए क्या बेटर हो सकता था आपकी आवाज में। ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, बहुत लोग करते भी हैं। मैं अक्सर अपनी स्पीच की प्रैक्टिस इसी तरीके से करता हूँ, गाड़ी में फिर उसको सुनते हुए जाता हूँ, आराम से गाड़ी चला रहा होता हूँ और सुनता हूँ कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा वॉइस और एक्सेंट कैसा आ रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल सजेशन। शी सेल्स द सी शेल एट द सी शोर, टंग ट्विस्टर्स। व्हेन यू विल यूज टंग ट्विस्टर्स, आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी एनन्सिएशन ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। इट इज रियली हेल्पफुल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी टंग रोलिंग मूवमेंट में आ जाए, कौन से वर्ड के साथ कैसे टंग रोल होगी, टंग ट्विस्टर्स करने से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। दोस्तों इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू गेट इनटू फोनेटिक अल्फाबेट्स। ए फॉर एप्पल, ए। बी फॉर बैट, ब। सी फॉर कैट, क। ये आपकी फिनेटिक साउंड, फिनेटिक अल्फाबेट्स, इसकी थोड़ी स्टडी कीजिए। बचपन में हमने सीखा है ये। फोनिक साउंड्स की नॉलेज होने से आपकी ओवरऑल प्रोनंसिएशन बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप कोई भी वर्ड बोलते हैं उसकी साउंड अगर क्लियर होती है तो एक्सेंट अपने आप बढ़िया हो जाती है। और मेरा 10th सजेशन, आखिरी सजेशन ये रहेगा कि गेट इनटू सम वॉइस एंड एक्सेंट प्रोग्राम। मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ वॉइस एंड एक्सेंट का, हाँ लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए काफ़ी कुछ मैंने भी सीखा है। तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको वॉइस एंड एक्सेंट का बहुत ज़्यादा चैलेंज है, यानी कि दवाई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली चाहिए, तो भाई वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग आज ही ले लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी बताए हुए सजेशंस, टिप्स और हैक्स पसंद आए हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या क्या पसंद आया, और आने वाले वीडियोस हम किस टॉपिक पे बनाएं उसके बारे में भी सजेशन दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरे रेगुलर वीडियोस वो दबाने के बाद मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।